मोदी जी नहीं देता ना अगर, या फिर वो कुछ करता है, अगर मोदी जी का पट्टा पहन लो वहाँ पे ना तो ईडी जाएगी ना सीबीआई जाएगी। सही है एकदम सर, ये जो बोल रहे हैं वो ये बिल्कुल अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। अगर अब की बार मोदी जी जीत गए तो लोग डरने लग जाएंगे। चुनाव तो क्या ये लोकतंत्र को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं, चुनाव तो बहुत दूर की बात है। मोदी का काम ये है कि जो तानाशाही करने लग गए पूरी, मतलब जो भी नेता उनके विपक्ष में बोलता है तो तुरंत उनके घर पे ईडी भेज देते हैं। मुख्य रूप से पहला बीजेपी के स्वामी सुमेधन सरस्वती तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं पे कॉमरेड की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें तो कॉमरेड अमराराम को उन्होंने टिकट दी है इंडिया गठबंधन करके। बैठा तमाम जनता मौजूद है, जनता जनार्दन होती है मौजूद है, बात कर लेते हैं जनता से भी। क्या नाम आपका? राम अवतार नाम है साहब। राम अवतार जी, किस प्रकार देखते हैं पूरा चुनाव जो है, एक कहने की जातिवाद पर लड़ा जाए? हाँ, अभी जो चुनाव है वो जातिवाद पर नहीं लड़ा जा रहा है, मतलब कि बीजेपी का जो मेन जो मोटो है वो क्या है, पिछड़ों को दबाना, और अभी वो हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे इस वक्त, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। अभी मैरोली की बात है, बाबा जी सुमेधानंद जी आए थे वहाँ पर, लोगों ने उनका विरोध किया, तो उनके जो मतलब समर्थक थे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अरे क्या 2014 से पहले श्री राम नहीं थे? क्या हम भगवान दीपावली नहीं मनाते थे, होली नहीं मनाते थे, किसी मंदिर में पूजा नहीं करते थे 2014 से पहले? करते थे। तो ये कौन सा मामला हो गया, मोदी जी आए हैं भगवान को लाए हैं हम उनको लेके जाएंगे? तो भाई मोदी जी ने राम जी को पैदा किया है, राम जी ने मोदी जी को पैदा किया है? तो ये तो मुद्दे नहीं है आज की दुनिया के, आज जो परिप्रेक्ष्य देखा जा रहा है उसमें मुद्दे क्या है, बेरोजगारी सबसे बड़ा है, बेरोजगारी, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी को नौकरी नहीं मिल रही है लोगों को। 2 करोड़ का वादा किया था मोदी जी ने कि हर साल हर मतलब की 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी, उनमें से कटौती की, बेल बेच दी, रेल बेच दी, और अभी अग्निवीर 4 साल में घर आ जाओ, 4 साल में प्रधानमंत्री बना रहो, और 73 साल का ये प्रधानमंत्री बना रहो, युवाओं को 22 साल में रिटायर्ड कर पे, इससे बहुत अपराध होगा और बहुत ज्यादा स्थिति खराब होगी, सामाजिक वातावरण बिगड़ेगा इससे, और यह देश के लिए घातक है, इनकी नीतियां घातक है। बहुत बेरोजगारी है गाँव में, 63% युवा आज के टाइम में भारत में बेरोजगारी दर है, और यह बहुत जुमलू की सरकार है, इनके पास में लेना देना नहीं है, बेचने का काम है। और मोदी जी घर से चोरी करके निकले थे, अब देश को बेचने लगे। यह स्टार्टिंग में ये कभी कहता है मैं 8वीं पास हूँ, कभी कहता है एमए की डिग्री दिखाता नहीं है, तो ये तो बचपन से ही झूठ बोलता है, ये इसका कोई लेना। सबसे बड़ी बात ये बताऊं मैं आपको, जब स्टैंडिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन सिसोदिया है जो शिक्षा मंत्री है, जो दिल्ली का मॉडल चेंज किया, कल आम आदमी ने जेल में डाल दिया, जो विरोध करता है उसको जेल में डाल देता है। कल आम आदमी कोई अपनी मांग उठाएगा तो उसको तो छोड़ेंगे नहीं, जब मुख्यमंत्री को जेल में डाल सकते तो आम आदमी के साथ क्या कर सकते हैं ये लोग, आप अंदाजा लगा सकते हैं। भारत का लोकतंत्र खतरे में है, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जुमला सरकार को बाहर निकालना होगा, जब भी इस देश के नागरिकों का और लोकतंत्र का भारत तो बचाना होगा। ईडी वहां तुरंत पहुंच जाती है। ईडी क्या है? ईडी जो मतलब जो भ्रष्टाचार करते हैं नेता उनकी जांच करते हैं। ये है प्रवर्तन निदेशालय, इंग्लिश में ये इलेक्शन डिपार्टमेंट बात नहीं। तो मोदी का काम ये है कि जो तानाशाही करने लग गए पूरी, मतलब जो भी नेता उनके विपक्ष में बोलता है तो तुरंत उनके घर पे ईडी भेज देते हैं। संस्थाओं का सीबीआई भी है, सीबीआई भी साथ में, सीबीआई को नहीं भेजता, ईडी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ईडी और सीबीआई में दोनों में कोई अंतर? दोनों को भेजते हैं, कोई अंतर नहीं दोनों में। पहले ईडी को भेजते हैं, पहले ईडी जाएगी पहले। सही है एकदम सर, ये जो बोल रहे हैं वो ये बिल्कुल अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं लोग, और भाईचारे को अब एक दूसरे के खत्म कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं, पब्लिक को एकदम अलग कर रखा है इन लोगों ने। पता है कहीं ना कहीं आने वाले समय में चुनाव खत्म हो जाएंगे। चुनाव तो क्या ये लोकतंत्र को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं, चुनाव तो बहुत दूर की बात है। अब कोई चुनाव नहीं होगा अगर ये जीत गए तो, ये संविधान चेंज कर देंगे, चुनाव होंगे ही नहीं आगे। अगर अब की बार मोदी जी जीत गए तो लोग डरने लग जाएंगे, अगर जो मोदी जी से मतलब मोदी जी को वोट नहीं देता ना अगर, या फिर वो कुछ करता है, अगर मोदी जी का पट्टा पहन लो वहाँ पे ना तो ईडी जाएगी ना सीबीआई जाएगी, जय श्री राम का पट्टा पहन लो वहाँ ईडी नहीं जाएगी। तो ये जनता है, जनार्दन है, और साफ साफ रिव्यू दे दिया इन्होंने कि अगर इस बार मोदी जी जीतते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। तुर्की और रशिया जैसे चुनाव यहाँ पे होने हैं, चुनाव होंगे नहीं आने वाले समय में, जनता ने कहा है, तो देखने वाली बात अब ये होगी कि किस प्रकार से जनता और जनार्दन है
वो किस प्रकार से मोदी जी को लाती है या फिर कोई और नया नेता चुनती है, सरदार चुनती है। कैमरा पर्सन रमाकांत व्यास के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।